इंटर एनआईटी क्रिकेट और पावर स्पोर्ट 2023 की मेजबानी इस बार एनआईटी सूरत कर रहा था। अच्छा, ये पावर स्पोर्ट्स क्या होता है? हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल है। मैंने रिसेंटली इंटर एनआईटी पावर स्पोर्ट्स में कम्पीट किया था। पावर स्पोर्ट्स हमारे लिए काफ़ी यूनिक चीज़ थी, ऐसा कुछ हमने पहली बार देखा था। पावर स्पोर्ट्स में आखिर कौन कौन सी कैटेगरीज थी? क्या छिछोरे मूवी जैसे 42 केजी की भी कोई कैटेगरी थी? 44 किलो, जिसमें कि सिर्फ एक बंदा था कम्पीट करने वाला और उसके अपोजिट में थी एक बंदे की दुलारी पित्रोदा। लेकिन यहाँ पे केवल मेंस का पावर स्पोर्ट्स होता है, वुमेन्स का नहीं होता है। आखिर कौन सी टीम थी जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते पावर स्पोर्ट्स में? क्या वो पटना के पहलवान थे या वेस्ट इंडीज के पहलवान थे? यहाँ पे कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, आई थिंक जिम्बाब्वे के थे, सॉरी वेस्ट इंडीज के नहीं थे, जिम्बाब्वे के थे। ये सारे सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का और हमें पूरा विश्वास है कि आप ये टारगेट पूरा कर देंगे। स्कूलिंग टाइम था तो हम लोग सुनते थे कि यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा है, तो सुनने में बहुत सारा लगता था कि हम लोग को कब देखने का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एनआईटी में वो सपना पूरा हो चुका। हम इस बार होस्ट भी थे, तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम हुआ है और कितना बाकी है। और हमें गेम्स भी खेलना था। ये काम उतना ही मुश्किल होता है जितना कि एक क्लास 12th का बच्चा है और उसको जेई भी देना है। तो जेई क्लियर किया तो 12th में किया था कि ड्रॉप में? अरे भाई, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ ऐसा बंदा। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं और जो 12th में होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैच हमारे घर में हो रहा था, इसलिए पूरे इंस्टीट्यूट को हमारी टीम से बहुत उम्मीदें थी कि इस बार हम फाइनल पहुंचेंगे और फाइनल जीतेंगे भी। कॉलेज का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बचा जिसमें बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो लॉन टेनिस कोर्ट हो या कहीं पर और, चाहे वो मेन ग्राउंड ही क्यों ना हो। इंटरनेट आईडी की प्रैक्टिस चल रही है। और भाई मोहित, भाई बॉलिंग नहीं दिखाना है, ये बॉलिंग नहीं चलेगी। लेकिन मेन हमें ये देखना पड़ता है कि जो पूरी एनआईटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, हमने तो ठीक है मेहनत करी, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि सामने वाली टीम ने कितनी मेहनत करी और उस दिन किसका लक साथ में। जब भी कोई एनआईटी कोई इंटरनेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करवाता है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, लॉन टेनिस हो, स्विमिंग हो, खो-खो हो, कुछ भी हो, तो उसकी तैयारी महीनों पहले से स्टार्ट कर दी जाती है। हमारे ज्वाइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आ चुके हैं। और हमने जो होस्ट करा था वो क्रिकेट था, और क्रिकेट को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसमें एक ग्राउंड से काम नहीं बनता है, आपको मल्टीपल ग्राउंड्स एक्वायर करने पड़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी टीमें होती हैं। लगभग 26 टीमें थी इस बार क्रिकेट के लिए और हमें 4 दिन के अंदर अंदर पूरा टूर्नामेंट ख़त्म करना हो। तो हमने एनआईटी सूरत के पास ही 8 ग्राउंड किराए पर लिए थे जिसपे मैच होने थे। मेन काम शुरू होता है इवेंट के एक हफ्ते पहले, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का काम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो। ये रूम व्यवस्था कर दी गई है उनके रहने के लिए। एक हफ्ते पहले पूरी टीम की मीटिंग होती है, उसमें हर एक इंडिविजुअल इंसान को बताया जाता है कि आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये काम करना है। ऐसी रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की, ये है कल जिनका काम है 13 तारीख का, भाई उनको पहले से ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपको जाना है कल शाम। सबसे पहला काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, मतलब इंफ्रा वर्क करना कि हमें डेकोरेशन कैसे करनी है, कहाँ पे लाइटिंग करनी है, कहाँ पे हमें अच्छे तरीके से उसको सजाना है, कहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगाने हैं, जो मेन गेस्ट आने वाले उनके पोस्टर्स कहाँ पे लगाने हैं, कैसे पोस्टर्स होने चाहिए, टी शर्ट की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू होता है इवेंट से 2 दिन पहले, जब टीमें आना स्टार्ट होती हैं तो हर एक इंडिविजुअल टीम के लिए यहाँ से बस जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है टीम को रेलवे स्टेशन से लेके आना और फिर जब इवेंट ख़त्म हो जाए तो उनको रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करना। इंडिया के कोने कोने से टीम आती हैं, चाहे वो त्रिची हो गया, चाहे वो सिलचर हो गया, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो गया, ये सारी टीमें आती हैं। तो 2 दिन पहले टीमें आना शुरू हो जाती हैं। मेन जो हेक्टिक डे होता है वो इवेंट से 1 दिन पहले, क्योंकि उस दिन बहुत सारी टीमें आती हैं और उन टीमों का जो टाइमिंग होता है ट्रेन का वो भी लगभग सेम होता है कि इतने बजे ही ट्रेनें आ रही हैं। फिर दूसरा काम होता है हॉस्पिटैलिटी का कि जो टीमें आई हैं उनको रुकने की व्यवस्था कहाँ पर की जाए। गाइस, अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र की टीम आने वाली है और हम उसका वेट कर रहे हैं। ये रहा हमारा आईडी कार्ड,
इसमें फोटो अच्छी लग रही है वैसे। तो इसके लिए अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, हमने 4 हॉस्टल टीमों के रहने की व्यवस्था करी थी, उनमें से एक गेस्ट हाउस था जिसको हम नर्मद भवन बोलते हैं और 3 हॉस्टल थे, और एक हॉस्टल जो गज्जर भवन था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई, उसमें करीब 8 टीमें थी। अतुल कौन सी टीम वाले आपको संपर्क करें? अरे हमारा तो जन्नत वाला है, एक NIT गोवा है। सुनना हमारा 3 टीम है, एक NIT गोवा, एक कौन सा है पटम नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर। तुम्हारी कौन सी टीम है? नेहरू भवन टीम है इसकी। देखो तो गाइस मैंने डिफरेंट क्लब्स और काउंसिल्स के लिए बहुत सारे इवेंट्स में काम किया, लेकिन जो इंटर NIT में हॉस्पिटैलिटी का काम था ये मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी मैनेजिंग स्किल, लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, यदि कोई चीज़ डिले हो रही है तो उनको कैसे भरोसा दिलाना है कि हाँ बस सर थोड़ा 2 मिनट वेट कर लीजिए, बस आने ही वाला है। फूड पार्सल कैसे समय पे ग्राउंड पे पहुंचे ताकि खिलाड़ियों को लेट ना हो गेम खेलने में, और मेस का खाना जल्दी कैसे स्टार्ट करवाना है, ये सारी चीज़ें करके बहुत ही मज़ा आया और कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करने को मिली, लेकिन बोलते हैं ना चैलेंज में ही तो मज़ा आता। तो गाइज अब वक्त हो चला है कि हम इस वीडियो को एंड करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे इवेंट में कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। क्या वो महेंद्र चवन जी थे जो कि बॉडी बिल्डर है, क्या वो होम मिनिस्टर थे गुजरात के, क्या वो IAS थे, क्या हमें इवेंट के बाद पार्टी मिली कि नहीं, हमने मस्ती करी कि नहीं करी, DJ नाइट हुई कि नहीं हुई, और मेन कार्यक्रम हुए इवेंट्स के बीच में कि नहीं हुए, इन सारी चीज़ों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में, तो सपोर्ट करते रहिए गाइस। तब तक के लिए बाय। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out.